दोस्तों, फर्स्ट फ्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। रूस यूक्रेन युद्ध लाइव अपडेट। रूस यूक्रेन जंग का आज 26वां दिन है। इस बीच यूक्रेन की ओर से साफ संकेत है कि वह आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। मारियोपोल में चल रही भीषण जंग में भी यूक्रेन की सेना ने हथियार डालने से इनकार कर दिया है। वहीं यूक्रेन का दावा है कि उसने जंग में एक अलगाववादी शीर्ष को मार गिराया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का कहना है कि वह पुतिन से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन यह वार्ता फेल होती है तो तीसरा विश्व युद्ध होगा। रूस ने बंदरगाह से चुराए अनाज से लदे 5 जहाज। जंग के बीच यूक्रेन ने रूस पर अनाज से लदे 5 जहाज चुराने का आरोप लगाया है। जपोर्जिया गवर्नर ने बताया कि जिन जहाजों की चोरी की गई उसमें हजारों टन अनाज था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन जहाजों को बर्डेंस्क बंदरगाह से रूसी टगबोट्स ने चुराया है। जंग के बाद से यूक्रेन 900 नागरिकों की मौत। रूस यूक्रेन जंग के बाद दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से दावा किया गया है कि यूक्रेन पर रूसी हमलों में अब तक 900 से ज्यादा आम नागरिक मारे जा चुके हैं। उत्तरी कीव में रूस व यूक्रेन के बीच जबरदस्त लड़ाई। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की ओर से सोमवार को बताया गया है कि कीव की उत्तरी सीमा पर रूस व यूक्रेन की सेना के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही है। शहर के उत्तर पूर्व में यूक्रेनी सैनिकों ने रूस को रोक रखा है। नाटो देश यूक्रेन में कर सकते हैं सैन्य तैनाती। 25 मार्च को पोलैंड दौरे पर जा रहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन में सैन्य तैनाती पर चर्चा कर सकते हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका की ओर से इसके संकेत दिए गए हैं। अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ने यूएन में कहा, अमेरिका यूक्रेन में अपनी सेना ही भेजने जा रहा है, लेकिन यह इस बात से इनकार नहीं करता है कि कोई अन्य नाटो देश ऐसा कर सकता है। कीव में 4 लोगों की मौत। कीव में रूस की ओर से किए गए हमलों में 4 लोगों की मौत हो गई। राज्य आपातकालीन सेवा की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक रूसी हमलों के बाद कई जगह आग लग गई। इसकी चपेट में 4 लोग आ गए जिनकी मौत हो गई, वहीं एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। सुमी केमिकल प्लांट से अमोनिया गैस लीक। यूक्रेन की ओर से की गई एयर स्ट्राइक में सुमी केमिकल प्लांट में अमोनिया गैस लीक हो गई। सुमी ओब्लास्ट के गवर्नर दिमित्रो जिएवेत्स्की ने बताया कि स्थानीय समयानुसार सुबेरे 4:30 बजे सुमिक प्रोम रासायनिक संयंत्र से अमोनिया का रिसाव हुआ। उन्होंने कहा कि इससे 2.5 किलोमीटर का क्षेत्र प्रभावित हुआ है। प्रभावित क्षेत्र के लोगों को सलाह दी गई है कि वे तुरंत भूमिगत आश्रय ले लें।